इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आवास के बाहर धरना दे रहे शहीदों के परिवारों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। शहीदों के परिजन सरकार की ओर से हर परिवार को दी जाने वाली 50-50 लाख रुपए की राशि से संतुष्ट है। शहीदों के परिजनों ने इस राशि पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। ये राशि शहीदों के परिजनों को 3 किश्तों में दी जाएगी। गौरतलब है कि पहले शहीदों के परिजन कलेक्ट्रेट रेट पर जमीन की राशि की मांग कर रहे थे। लंबे वक्त से उनका धरना सीएम आवास पर जारी था और अब जो है ये धरना खत्म कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार, लंबे वक्त से जो है ये शहीद सीएम आवास के बाहर बैठे थे, अब तक तो ये मांग अपनी मांगे बढ़ा रहे थे, कलेक्टेड रेट पर जो है मांग कर रहे थे, लेकिन अब उसी से संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल इंद्रजीत, कई कारण हो सकते हैं। एक तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज फिर उनको बुलाया था कि आप जो मांगे, जो पंजाब सरकार की तरफ से आपको जो राशि दी जा रही है वो मंजूर की जाए, क्योंकि पंजाब में जल्द कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है। ऐसे में पंजाब सरकार ने उनको मनाने का जत्न किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद प्रकाश सिंह बादल उनके साथ 3 दफा मीटिंग कर चुके थे और खुद उनके धरने में भी शामिल होकर उनकी जो दुख तकलीफ वो सुनी थी। लेकिन साथ के साथ जब वो धरने में बैठे तो जो मामला वो सियासी रंगत लेता जा रहा था, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी की शमूलियत हो, चाहे फिर अपना पंजाब पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेताओं का वहां जाके उनके दुख में शरीक होना, ऐसे में सरकार ऊपर भी काफी प्रेशर बनता जा रहा था। आज एक बार फिर शाम को कह सकते हैं, अभी कुछ पल पहले बादल ने सभी जो परिवार थे, जो पिछले काफी लंबे समय से अपनी मुआवजे की मांग कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर सहमति जताते हुए ये भी कहा कि आपकी जो मांगे वो प्रमाण की जाती है सरकार की तरफ से और कल आपको जो लिखित रूप में जो ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो 50-50 लाख की जो अमाउंट जो हर परिवार को दी जाएगी वो 3 किश्तों में दी जाएगी। तो जो कल पहली किस्त के रूप में जो पीड़ित परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं भारत, उनको लिखती रूप में ऑर्डर भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। जी जगतार, अब तक मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि इतनी राशि भी ठीक है मुआवजे के तौर पर, बीजेपी के नेता भी यही कह चुके हैं, लेकिन ये धरना इतने दिन तक आखिर क्यों चला? क्या इसके पीछे हम सियासी वजह ही मान सकते हैं? क्या कुछ और नेताओं का, कुछ और पार्टियों का समर्थन मिलता रहा, ये भी एक वजह हो सकती है कि इतने देर तक ये धरना जारी रहा? इंद्रजीत, एक बात है कि जो शहीदों के वारस थे उन्होंने इतनी ज्यादा सपोर्ट दूसरी पार्टियों की नहीं ली जितनी दूसरी पार्टी मदद देने को तैयार थे। जो पीड़ित परिवार जो शहीदों के परिवार वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस मसले में सियासी जो योर रंगत आएगी उससे उनका नुकसान भी होगा, और उनके धरने में कई पार्टियों के लोग शामिल हुए थे, लेकिन उनका सीधा था कि वो शहीदों के वारिस हैं और उन्हें जब वहां नारे लगाए थे वो भारतीय सेना के नारे लगाते आ रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगाते आ रहे थे। उनकी एक मन में मंशा जरूर थी कि सरकार की तरफ से अगर सरकार उनके प्रेशर में आके हाईकोर्ट के हुक्म लागू कर देती है तो हर परिवार को करीब 2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। तो ऐसे में उनकी मन की इच्छा थी कि अगर सरकार कोर्ट के हुक्म लागू कर देती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो लेकिन उनको लगता था कि जो राशि पंजाब सरकार से दी जा रही है 50 लाख रुपए प्रति परिवार, पहले वो लीजिए, अगली कार्रवाई क्या होती है वो परिवारों पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो धरना खत्म कर दिया गया और सरकार और जो शहीदों के परिवार उनके भी जो रेड़ का चल रहा था वो भी दूर हो गया। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आवास के बाहर शहीदों के परिजन धरना दे रहे थे और अब ये धरना खत्म कर दिया गया है और वे 50-50 लाख रुपए की राशि से ही संतुष्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार आपका इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि शहीदों के परिजन लंबे वक्त से धरने पर बैठे थे और फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये धरना दिया गया। काफी दिन तक ये धरना चला। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया है और आज उसी खबर का असर हुआ है कि अब जो है ये धरना खत्म कर दिया गया है और मुख्यमंत्री खुद जो है
बातचीत करने के लिए पहुंचे। इन शहीदों के परिजनों से पहले भी बातचीत की और अब आज फिर से बातचीत हुई है और शहीदों के परिजन जो है वो 50-50 लाख रुपए की राशि से संतुष्ट है और धरना खत्म कर दिया है।